राधे राधे फ्रेंड, और कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका रसिका की रसोई में। और ये देखिए, ये मैंने आज बनाए हैं दमालू। और हमारे दमालू कुछ इस तरह से बनेंगे, तो आप भी दमालू अगर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इजी रेसिपी दमालू बनाने की। और चलिए देखते हैं कि दमालू को मैंने किस तरह से बनाया है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ दमालू। और दमालू के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो है, देखिए ये है कटा हुआ टमाटर, मैंने दो बड़े टमाटर लिए हैं। और ये है कटा हुआ प्याज, प्याज भी मैंने दो बड़े लिए थे। और ये हैं हमारे खड़े मसाले। खड़े मसालों में ये देखिए है तेज पत्ता, ये दालचीनी, और ये दो सूखी हुई लाल मिर्च, ये लौंग और काली मिर्च। और देखिए ये आलू को मैंने उबाल लिया है, ये हैं हमारे मसाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दमालू बनाना। देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। चलिए तो देखिए फ्रेंड, हमने तेल को गर्म कर लिया है। और अब हम देखिए अपने ये जो हमारे आलू हैं उबले हुए, आलुओं को हमने दो सीटी लगा के उबाल लिया था। अब हम आलुओं को तेल में डाल देंगे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए। तो देखिए इस तरह से आलुओं को, उबले हुए आलुओं को आप पहले तेल में फ्राई कर लें थोड़ी देर के लिए। मतलब आलू हमारे हल्के गोल्डन हो जाएं तब तक आप इन्हें जैसे पकौड़ों को फ्राई करते हैं उसी तरह से आप तेल में आलुओं को थोड़ी देर फ्राई कर लें। तो देखिए आलुओं को हम फ्राई कर रहे हैं। और ये देखिए आलू हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, कलर चेंज करने लगे हैं। आलुओं को हमने फ्राई कर लिया है ये देखिए। और आलुओं को हम निकाल लेते हैं बाउल में। ये देखिए आलू हमारे इस तरह के हो गए हैं। बहुत लाइट रखना है ना, ज़्यादा डार्क नहीं होने देना। ये देखिए आलू हमारे इस तरह के हो गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे आलू फ्राई होने के बाद अब हमने तेल को दोबारा से कढ़ाई में डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग। एक चुटकी हींग डालने के बाद ये हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा। और अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तो देखिए खड़े मसालों में सबसे पहले ये हमने डाले हैं लौंग और काली मिर्च। और अब हम लौंग और काली मिर्च को चटकने देते हैं। और देखिए ये हम डाल रहे हैं जरा सी दालचीनी। दालचीनी डालने के बाद देखिए ये हमने डालनी है मिर्च, साबुत लाल मिर्च। और अब हम ये डाल रहे हैं प्याज। प्याज को आप मोटा ही काट लीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्याज का पेस्ट ही बनाएं, इसमें भी पेस्ट बन जाता है। और इतना कोई ज़रूरी नहीं है इसका पेस्ट बनाना। अगर आपके पास टाइम हो तो आप पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी रेसिपी तो यही है कि आपके पास टाइम कम है तो आप प्याज को ऐसे ही बनाएं, लेकिन इसे प्याज थोड़ा ज़्यादा रखें। तो देखिए फ्रेंड, ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप पेस्ट बना लें, इन्हें थोड़ा दलदला कूटना है। ये देखिए ये मैंने प्याज नहीं अदरक और लहसुन को दलदला पीस लिया है। ये देखिए इस तरह से आप इसे पीस लें और आप इसे डाल दें लहसुन और अदरक का पेस्ट। और अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम भून लेंगे। गैस को आप मीडियम फ्लेम पे ही रखें। और ये देखिए ये हमारे प्याज, लहसुन, अदरक सभी भुन रहे हैं। और अब हम इनमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में आप इसमें हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, छोटा हुआ धनिया और लाल मिर्ची कम ही रखें क्योंकि हम इसमें ये हरी मिर्च भी डाल रहे हैं। अब मसालों को भून लीजिए। अब देखिए हमारे मसाले भी भुन गए हैं और हमारी प्याज भी। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये टमाटर। अगर आप चाहें तो टमाटर की ग्रेवी भी बना सकते हैं, टमाटर को पीस भी सकते हैं और तब आप ग्रेवी में डालें। और अगर आप चाहें तो टमाटर को काट कर भी डाल सकते हैं। मैंने दो बड़े टमाटर लिए हैं। और अब हम तैयार करेंगे दम आलू की ग्रेवी। देखिए फ्रेंड हमारी ग्रेवी बन रही है और ये हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। देखिए ग्रेवी हमारी तरह की बन रही है। ये देखिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको टमाटर और प्याज लहसुन को पीसने की, ग्रेवी इसी तरह से बना लें अगर आपके पास टाइम कम है तो। ये देखिए। और फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो मेरे चैनल को देखिए, लाइक का बटन दबाइए और मैं आपको बहुत अच्छी और इजी रेसिपी बताती रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से बन गई है। और ये देखिए ग्रेवी ने तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए और अब हम इसमें डालेंगे ये आधा कप पानी। हमने इसमें पानी डाल लिया है और पानी डालकर हम इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। तो देखिए ये है वो हमारे आलू जो हमने फ्राई किए थे। तो आलुओं में आप इस तरह से छेद कर दीजिए जिससे कि हमारा जो मसाला है वो आलुओं में अंदर तक चला जाए। ये देखिए आलुओं में इस तरह से चेक कर लें आप। और ग्रेवी हमारी पक रही है। तो देखिए फ्रेंड हमारी ग्रेवी भी पक चुकी है अच्छी तरह से। ये देखिए ग्रेवी हमारी पक गई है। और अब हम ग्रेवी में डालेंगे आलू। ये ग्रेवी में हमने आलुओं को डाल दिया है। ये हम बना रहे हैं आप दम आलू। ग्रेवी में आलू डालने के बाद अब हम थोड़ी देर तक, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक, और गैस को एकदम कम करके आलुओं को पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारे दम आलू बन गए हैं। और अब हम ये इनमें डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद आप इसमें ये जरा सा ताज़ा क्रीम डाल दें। ये देखिए
ये हम डालना है दम आलू में क्रीम। क्रीम डालकर आप इस तरह से आलुओं को चला रहे हैं, देखिए आलुओं का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और देखिए हमारी दम आलू बन रही हैं। और देखिए फ्रेंड लास्ट स्टेप, ये हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला। तो देखिए फ्रेंड बन गई है दम आलू हमारे, और मैंने गैस को बंद कर लिया है और ये देखिए अब मैंने बाउल में निकालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड बन गए हैं हमारे टेस्टी दम आलू, और अब हम इनकी गार्निशिंग करने के लिए जरा सा ताज़ा क्रीम आलू के ऊपर इस तरह से डाल देते हैं। और फ्रेंड आप भी दम आलू बनाएं, दम आलू बनाकर खाएं, बहुत आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है और ये टेस्टी भी बहुत लगते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको आगे ही ऐसी बहुत सारी ईजी सब्जियाँ बनाकर दिखाती रहूँगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए।